हरदा में मुखबिर की सूचना पर पुलिस को चोरी करने वाला एक चोरी के माल को बेचने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में कामयाबी मिली। 14 सदस्यीय गिरोह के 4 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गए। चोरों के पास से 83 ग्राम सोने, छड़ी के आभूषण एवं सोना तोलने का तराजू भी बरामद हुआ। हरदा पुलिस के मुखबिर से सूचना मिलने पर बस स्टैंड हरदा पर उत्तर प्रदेश के कुछ लोग खड़े हैं जो चोरी के माल का व्यापार करते हैं, साथ ही चोरी भी करते हैं। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस टीम ने बस स्टैंड हरदा पहुंचकर एक बस की आड़ से देखा, जो मुखबिर द्वारा बताए हुलिये के 4 व्यक्ति खड़े हुए दिखे, जिन्हें पुलिस बल द्वारा घेराबंदी कर अभिरक्षा में लिया व नाम पता पूछे बाद संदेहियों से हरदा आने के संबंध में पूछा तो वे सकपका गए और चारों अलग अलग संदेहास्पद बातें बोलने लगे। जिनके विधिवत तलाशी ली गई तो उनके पास से नकदी व सोने चांदी के जेवरात एवं सोने चांदी की सामग्री तोलने वाला तौल काटा मिला, जिसके संबंध में पूछताछ की गई, जो चोरी का माल होना बताया। विस्तृत पूछताछ पर बताया कि हमें गवेंद्र सिंह, छोटू उर्फ ओमवीर, राहुल त्रिलोकी मिलकर तरुण पिता योगेंद्र चौहान निवासी ग्राम एहन जिला हाथरस के साथ चोरी का माल बेचते तथा खरीदते हैं। देखिए, हमारे पास एक सूचना थी जिसकी बस स्टैंड पर कोतवाली क्षेत्र है के अंदर कि ये लोग चोरी का माल बेच रहे हैं। उनके पास एक छोटी सी मशीन भी मिली है। तो जब इनको मौके की तस्दीक पर हमारी टीम पहुंची, उन्होंने सही पाया और ऊपर उनके पास से करीब 4.25 लाख का माल ऑर्नामेंट्स मिला है। और इन लोगों से पूछताछ करी तो इनका ये कहना था कि हमारे साथ करीब 10-12 लोग 8-9 माह से लगातार आते रहे हैं हरदा में, और सरस्वती लॉज का में इनकी तस्दीक भी करी है तो सरस्वती लॉज में उनका रुकना पाया गया है, तो ये 8 माह से एक्टिव है। तो और गहनता से पूछताछ करी तो एक हमारी चोरी जो पुरानी थी अप्रैल माह की, तो वो हमारी डिटेक्ट हुई है। और इनकी मॉडस ऑपरेंडी बस में चोरी की है, और एक व्यक्ति जो इनके पास अभी फरार हुआ है, तरुण नाम है उसका, वो उसके रिकॉर्ड है GRP झांसी में, तो 3 चोरी उसके उसने की है, तो उसमें बंद भी हुआ है वो। तो इस प्रकार इनके एक व्यक्ति और है जो पकड़ा गया है फिलहाल, वो इस पर राहुल नाम है, उसने नोएडा में चोरी की है। तो ये इनके रिकॉर्ड है पुराने, हम उसकी पूरी तस्दीक कर रहे हैं। और बाकी जो लोग हैं 8 माह से जो कौन कौन लोग आए इनके साथ, उनके पूरे CDR का एनालिसिस करेंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।